आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। जगह जगह होली मिलन समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। समाज सेवी संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं होली मिलन समारोह आयोजित कर रहे हैं। समाज सेवी संस्था संरक्षक साहित्य पटेल के द्वारा होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान काव्य पाठ भी हुआ। डॉक्टर मधु भारद्वाज द्वारा आमंत्रित किया गया यहाँ पे, मैं चीफ गेस्ट बनकर आई हूँ। ये एक होली मिलन समारोह कार्यक्रम है। हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए ये समारोह ऑर्गेनाइज करवाया है मैडम ने, और मैं इसके चलते सभी को हैप्पी होली विश करना चाहूँगी, सारे जो भी दर्शक हैं इस टीवी चैनल के। प्ले सेफ एंड विश यू अ वेरी हैप्पी होली। होली मिलन समारोह हमारे देश की एक ऐसी परंपरा है जिसमें ऊंच नीच, बड़े छोटे, किसी का भी कहीं कोई कंसीडरेशन नहीं होता। लोग इतना खुल करके मिलते हैं, और चाहे साल भर, वर्ष भर कितनी भी आपस में दुश्मनियाँ भी हों, कुछ भी हों, वहाँ भी कभी कभी होली का महोत्सव ऐसा होता है कि लोगों में फिर से मित्रता हो जाती है। होली जैसा त्यौहार दुनिया में कहीं नहीं। होली जैसा त्यौहार हो, उस पर गीत संगीत और काव्य का पुतला हो, तो उसका फिर रंग थोड़ा सा फीका है। तो संरचना सोशल फाउंडेशन का जो काव्य पटल है, उसके द्वारा आज होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें हम सभी एक बार दोबारा एक दूसरे को रंग लगाकर, एक साल से हम लोगों का शायद बहुत कम ही मिलना हुआ, एक दूसरे को रंग लगाकर और एक दूसरे की उम्मीद करेंगे कि जीवन में उत्साह का, स्वास्थ्य का और सफलता के रंगों का दोबारा समावेश हो, ऐसी मेरी कामना है। ये कई कार्यक्रम हम कर चुके हैं। दिसंबर में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था, उसके बाद में स्कूलों में कार्यक्रम किया था। ये फाउंडेशन समय समय पर बच्चों के लिए, बड़ों के लिए साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम करती रहती है। उसी में आज ये होली मिलन समारोह रखा गया है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए आज हम होली मिलन कार्यक्रम को कर रहे हैं। और बहुत अच्छे ढंग से इसमें काव्य गोष्ठी है। काव्य गोष्ठी में हमारे पास में 10 कवि हैं। आज की हमारी मुख्य अतिथि रानी सरोज गौरेहारी जी हैं।